ओके मैम, आज दोस्ती कुछ कंटेस्टेंट का रियूनियन है, तो आज कौन कौन आ रहा है, किससे मिलने वाले हो, क्या पार्टी कर दोस्ती पर बोले? देखिए, राखी की तरफ से इनविटेशन है ये, और मैं शुरू से ही राखी को इतना पसंद कर रही थी, और सब लोग ही राखी को बहुत प्यार करते हैं, तो सबको इनविटेशन गया है, तो मैं अभी अभी पहुंची हूँ, और राहुल महाजन से मेरी बात हुई थी, वो आने वाले थे, और भी कई लोग आने वाले हैं, शायद आ चुके हैं, तो मैं पहुंची हूँ। बिग बॉस खत्म हो चुका है और बिग बॉस के विनर रुबीना है, आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए था, राहुल या रुबीना? देखिए, मैं जब घर में एंटर हुई थी तो मेरे फेवरेट थे दोनों, राहुल और रुबीना, और घर में जब मैं रही तो किसी वजह से रुबीना में कुछ कमियां मुझे नज़र आई, लेकिन लास्ट में जब उनकी वोटिंग अच्छी हो रही थी, उनके फॉलोवर्स चाहते थे कि वो विनर बने, तो उनको सपोर्ट किया गया, तो विनर रुबीना है, तो लोगों की पसंद रुबीना है, तो उन्हीं को चुना सभी लोगों ने, तो जो लोगों की पसंद होता है उसका चुनाव हुआ है, तो वो सही हुआ है। ओके, आज गेट टुगेदर है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि मेमोरीज वापस से ताज़ा होने वाली है बिग बॉस होगी? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए, परसों से मुझे पता चला था कि हम सब साथ मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथ में फिर से मिल रहे हैं। एनी मोमेंट यू वांट टू शेयर विद अस बिग बॉस की, जो आपके खास पले थे, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से मेरा और राखी का जो था ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही शुरू से ही, राखी ने एक दो जगह मुझे चीट किया, फिर भी मैंने राखी को माफ़ किया, क्योंकि उसका नेचर मुझे बहुत ही पसंद आया, राखी सबको हंसाती है, तो राखी के साथ सारी जो बातचीत रही, चाहे वो राहुल वैद्य के साथ रही और राहुल महाजन और सब लोगों के साथ, बहुत अच्छे जो लम्हे हम लोगों ने वहाँ पे बिताए वो बहुत अच्छे थे, सबके साथ ही अच्छा था, अभिनव के साथ भी बहुत अच्छा रहा, उनके साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, तो सभी अच्छा था। मैम, सलमान खान को मिलने का सपना आपका पूरा हुआ बिग बॉस में आने के बाद, ये तो आपने कहा, लेकिन फिनाले के दिन हमने आपको उनके साथ डांस करते देखा और वो विजुअल सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सपना ही था सलमान जी के साथ, उनके साथ खड़े होना ही मेरा सपना था कि उनको देखे सामने से, और उनके साथ मैंने इच्छा जाहिर की थी काम करने की, तो फिर मंच पे जब नोरा के साथ मैं डांस करी थी तो मैंने उनको बोला, लेकिन सेकंड चांस उन्होंने मुझे दिया, तुषार कालिया ने जब मुझे इनवाइट किया स्टेज पे, तो सलमान जी ने अपने आप से ही सोचा कि ये मानने वाली नहीं है, तो दोबारा उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ डांस करने का, और बहुत ही एक मजाक मस्ती और डांस वो बहुत ही अच्छा सबको पसंद आया, और डिनर पार्टी में भी सलमान जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं अपने जो पसंदीदा मेरे जो कलाकार हैं, जो सुपरस्टार हैं सलमान खान, उनके साथ मैं इतना समय उनके साथ बातचीत कर पाई और उनके साथ मंच पे मैं परफॉर्म कर पाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। मैम, ज़िंदगी किस तरह बदली है बिकॉज? बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एक राजनीति एक बिल्कुल ही अलग तरीके का काम है, और दूसरा अभिनय वो भी अलग तरीके से हम उसको देखते हैं, तो मुंबई में आप लोगों के साथ और कलाकारों के साथ अभी लगातार मिलना जुलना, और आगे जो काम की बातचीत चल रही है, उस ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल अलग हैं। पहले थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, हरियाणा में रह के कर रही थी, दिल्ली में कर रही थी, लेकिन मुंबई का एक्सपीरियंस अलग है और मुझे अच्छा लग रहा है अभी। सुनाली, लगता है कि बिग बॉस के बाद कितना फायदा होता है, इसलिए हम अगर कंटेस्टेंट देखेंगे तो वो एक टाइम बीइंग के लिए वो एक बुलबुला जो बोलते हैं रहता है, फिर बाद में कम बैक टू नॉर्मल, देखिए मेरे लिए तो बिल्कुल बदलाव मैं देख रही हूँ इसमें, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में जुड़े होने की वजह से मैं यहाँ समय नहीं दे पा रही थी, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद मुझे जो मैंने वहाँ बार बार मैं गाने के शब्द बोल के डांस करने लग जाती थी, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये जो प्रतिभा है मैंने इसको दबा के रखा था,
और मैंने खुल के किया सब कुछ बिग बॉस के अंदर, और मैं चाहती हूँ इसको और आगे बढ़ाना। तो मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं आगे और काम कर पाऊँगी, और जिस तरह से मुझे काम के ऑफर्स आ रहे हैं, जिस तरह से एक पंजाबी फिल्म है, एक हिंदी फिल्म है, म्यूज़िक वीडियो है, इस तरह के काम मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आगे काम कर पाऊँगी बहुत अच्छे ढंग से। देखिए, मैं बेटी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी अभी, और बिग बॉस के घर की बातें जो हैं, इस तरह की बातें हैं, वो तो बिल्कुल मैं उस बारे में बात करना ही नहीं चाहूँगी। वो हम लोगों ने, जब मैं घर से निकल रही थी, तो चाहे वो रूबीना हो चाहे कोई भी हो, सबसे मैंने कही थी बात, यहाँ की बातें हम यहीं छोड़ रहे हैं और बाहर एक हम अच्छी दोस्ती रखेंगे, और उसी पर मैं कायम हूँ। कुछ गिले शिकवे थे जो आप पत्रकारों से मिलके, मैंने वो बात आने के बाद शेयर की कि मुझे ऐसा महसूस मैं करती हूँ रुबीना के बारे में, वो मैंने बात कह दी, वो बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं, और जो भी अच्छा बुरा जो कहा वो एक शो का हिस्सा था, और आज हम सब लोग दोस्त हैं, और दोस्ती के नाते हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहें। अच्छा, रिसेंटली बर्थडे था एली का, आप किस तरह से इकता रहे उस बर्थडे का, और क्या विशेष दी थी आपने एली को? देखिए, एली को मैंने शुभकामनाएं दी, और सोशल मीडिया पे मैंने उनके साथ पोस्ट भी शेयर किया, और अली का मुझे मैसेज भी मिला, और उन्होंने मुझे धन्यवाद किया इसके लिए। थैंक यू।